हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल मैथलोजिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान। इसकी उत्पत्ति और इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि ये सभी जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान की तरह ही एक नया विषय है। यह अपनी शैशवावस्था में है, यानी अपनी शुरुआती कंडीशन में है अभी। पहले जो ये शिक्षा मनोविज्ञान जो था, वो तो दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा हुआ करता था, परंतु आज ये मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में हमारे सामने है। तो इसके मीनिंग को देख लेते हैं। बेसिकली क्या मीनिंग है इसका, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा, अगर हम शिक्षा के जो मीनिंग को देखें, वो है ज्ञान। मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अध्ययन करने वाला विज्ञान। इस प्रकार हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के, अगर हम मीनिंग को जानेंगे, तो मनोवैज्ञानिक यानी जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग जब शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है, तो उससे तात्पर्य है शिक्षा मनोविज्ञान। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शैक्षिक प्रक्रियाओं व शिक्षण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद करता है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से। अथवा शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों के, यानी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। तो हम कह सकते हैं कि इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो जो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है। सिद्धांतों का प्रयोग करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है। अथवा ये भी कह सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, वो शिक्षण की प्रक्रिया को सरल बनाने में प्रयासरत है। अब शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इसके मीनिंग को समझने के बाद कुछ मनोविज्ञानिक के जो बेसिकली अपने अपने जो इसको लेके जो थॉट्स है, या इसके उत्पत्ति के संबंध में जो उनका योगदान रहा है, कुछ इन छोटे छोटे टॉपिक्स को हम देखेंगे। सबसे पहले हम लेंगे प्लेटो को। प्लेटो जिन्होंने पाठ्यचर्या को, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो पाठ्यचर्या दी थी, उसको प्राथमिक
माध्यमिक, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम की रचना की थी, यानी जो प्लेटो थे उन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम की रचना की थी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में। दूसरे जो थे वो थे पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी का जो योगदान रहा था वो ये था कि इन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र के विकास एवं शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया और बाल मनोविज्ञान को एक नई दिशा दी। पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाने लगा। जो पेस्टोलॉजी थे उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में जो अपना योगदान रहा था वो उन्होंने एक प्रयोग किया था। इन्होंने 3.5 वर्षीय पुत्र के शिक्षा एवं विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया। संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया। और इनको शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में बाल मनोविज्ञान का इनको जनक भी माना जाने लगा। इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी का जनक भी माना जाने लगा। माना जाने नहीं लगा। अब इससे आगे हम देखते हैं जो अगले मनोवैज्ञानिक थे वो थे रूसो। उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना ये मत दिया था कि बाल केंद्रित शिक्षा की नींव रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो बालक है वो शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत यानी बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में सामने आए थे। और उन्होंने कहा था कि जो बालक को अध्ययन का केंद्र बिंदु माना शैक्षिक प्रक्रिया में। रूसो का मत था कि बाल केंद्रित शिक्षा की नींव रखी इन्होंने। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया। नेक्स्ट जो थे वो थे फ्रॉवेल। जिन्होंने किंडरगार्टन प्रणाली दी। और नेक्स्ट थे मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी इसके प्रवर्तक, मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रवर्तक थे। मॉन्टेसरी प्रणाली
यानी हम कह सकते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा को लेकर ये सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। ये प्रणाली बहुत बार पूछी जाती है, फ्रोवेल की किंडरगार्टन प्रणाली किसने दी? फ्रोवेल ने। मोंटेसरी प्रणाली किसने दी? मारिया मोंटेसरी ने। इसके बाद हम लेंगे स्टेनली हॉल को। स्टेनली हॉल जिन्होंने 1889 में शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी। विज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक थे उनके नाम हमने ले लिए हैं। इनकी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनका क्या क्या योगदान रहा था। अब कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है। कुछ जो परिभाषाएं हैं उनको देख लेते हैं। स्टीफन की जो परिभाषा थी, स्टीफन ने जो दी थी, उनका कहना था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। जो स्टीफन महोदय थे उनका कहना था कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। आगे जो परिभाषा है वो क्रो क्रो की देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों की वर्णन एवं व्याख्या करता है। व्याख्या करता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है
वो देखते हैं स्किनर की। स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो परिभाषा दी थी, ये तीनों ही परिभाषाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तीसरी परिभाषा देखते हैं। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो स्टूडेंट, ये तीनों परिभाषाएं हमने मीनिंग को समझ लिया है, साथ ही साथ तीनों परिभाषाएं देख ली हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके यूपी टेट में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।